अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से, फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये मेरी रात की रूटीन है। कल लेट नाइट बहुत दिल करा था क्योंकि हस्बैंड लाए थे छलियाँ। हम कश्मीरियों की तो फेवरेट चीज़ है ये ना, तो जिस चीज़ को ये कश्मीरी दाने पसंद हैं नरम से ना करके हम लोग खाते हैं। पहले मैंने इनको छलियों को छील लिया था, इनके दाने सारे निकाल लिए थे। उसके बाद हल्का सा ऑयल डाला था मैंने या घी डाल लें, उसके बाद नमक डाल के फिर मैंने इनकी बुनाई कर दी थी और भुने गए थे ये चने कह रही हूँ सॉरी दाने छली के। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाए थे। काफ़ी क्या टाइम होगा, रात के 11:30-12 बजे का टाइम था। तो फिर हमने छली के दाने खाए थे तो बहुत मज़ा आया था। और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, जिस चीज़ को पसंद है तो ज़रूर बताइएगा कि किस किस को इस तरह ये छली के दाने बुने हुए पसंद है। तो जी, होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और मेरे साथ बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा मेरी वीडियो। तो यहाँ पे हस्बैंड तो खेल रहे थे पबजी, तो मैं खुद ही नहीं इनको खिलाई जा रही थी क्योंकि ये तो दोनों हाथों के साथ लगे हुए जी पबजी में बिल्कुल गुम हो जाते हैं। अल्लाह ताला ही हदायत दे, ये पबजी जो है ना, ये पता नहीं जिसने मैं कहते हैं याद किया, अल्लाह ही उसे पूछे कि ऐसा इसका हो जाता है ना, आदत जिनको हो जाती है ना, तो वो तो अल्लाह ही माफ़ करें। तो जी हम यहाँ पे इंजॉय करे थे। उसके बाद जी 9वीं मुहर्रम जुम्मे का दिन था। सुबह सहरी में मैं 3 बजे उठ के वजू वगैरह करने के बाद फिर मैंने अपने लिए सहरी बनाई। सहरी में मैंने 3 टोस्ट फ्राई किए थे हल्का हल्का घी लगा के, और साथ मैंने 1 कप अपने लिए चाय बना ली थी। और बारिश इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ थी ना बारिश, आप यकीन करें जूँ मैं उठी हूँ तो बारिश क्या हवा चल रही थी, काफ़ी ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आवाज़ भी आ रही थी क्योंकि दरवाज़े, पता है आपको, जब ऊपर वाला हमारा जो दरवाज़ा है ना वो फिर लोहे का, तो छत वाला, तो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से लग रहा था जाके, वो खुला हुआ था तो इस वजह से फिर मुझे महसूस हुआ मैंने कहा बारिश है, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। तो बारिश भी थी इतनी ज़्यादा, माशाल्लाह स्टार्ट हो गई, सही तूफ़ानी बारिश थी सुबह 3 बजे के टाइम पे ना, तो काफ़ी आधा घंटा तो बारिश रही है। तो जेरी भी मेरे साथ है, जेरी देख देख के बारिश को, कभी गेट के पास जा रहा था फिर वापस आके ना ये टी वी लॉन्च में बैठ जाता था। तो इसी तरह टेबल पे भी जब मैं कुरान पाक पढ़ रही थी सहरी करने के बाद, मैंने पारा पढ़ा था तो तब भी जहरी मेरे पास था। तो ये जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना सुबह, ये जो भी मैं नमाज के लिए उठती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाता होता है, जहाँ नमाज पे कभी मस्तियाँ करता है, कभी बैठ जाता है, कभी आगे पीछे घूमता रहता है। इसी तरह ना इसकी होती है रूटीन, और इसे पता होता है नाश्ता तो टाइम पर मिलना है क्योंकि नाश्ता जब हम बनाते हैं और इसे भी देते हैं जहरी को, डेली रूटीन के मुताबिक 7 बजे मैं नाश्ता स्टार्ट करती हूँ बनाना क्योंकि हस्बैंड ने 8 बजे जाना होता है, तो मैं फिर उस टाइम फिर नाश्ता बनाती हूँ। तो जेरी का भी पक्का हमारे साथ उसने, फिर जी मैंने कुरान पाक की तिलावत की थी उसके बाद सहरी करने के बाद। फिर मैंने सूरतें जो मैं पढ़ती हूँ डेली रूटीन में, मेरी अल्लाह ताला बस हमारी छोटी मोटी बात में कबूल करे, और नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं सो गई थी। और अगला दिन इतना बिजी था, इतना बिजी था, वो इंशाल्लाह मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता है, आप भी फिर बोर हो जाते हैं, इसलिए वो इंशाल्लाह मैं अपनी अगली जो वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँ। अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ और टाइम हो रहा है जी 11:50, ठीक है। अभी भी बहुत मज़े की बारिश लगी हुई है, मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं उसी तरह बारिश में नहाने और साथ बाइक वॉश कर रहे हैं, तो मैं बैठी हुई वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ जी। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी न्यू देख रहे हैं तो वो सब सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके उसका नोटिफिकेशन। तो जी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नियाज की होगी क्योंकि मैंने 9वीं मुहर्रम में नियाज दी थी अपने घर में, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।